कर्फ्यूग्रस्त इलाके अंदरकोट में मामूली कहासुनी में एक युवक को दूसरे युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। घायल महराज ने बताया कि वह फल बेचने का काम करता है। आज उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनके बीच बचाव करने गए महराज को बदमाश अमीन ने चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकूबाजी में हेमराज के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वो हाथ और पैर में कैसे लगा? भाई वो झगड़ा कर रहे थे दो आदमी, उसके बीच में बीच भराव करने लगा अलग अलग। उसने चाकू ले रखा था, किसी को पता नहीं है। वो ऐसे छुपा के पहले हाथ पे मारा, फिर पैर पे मारा। पुरानी दुश्मनी है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ना पुरानी दुश्मनी। आप क्या करते हैं? फल का काम करते हैं। फल तो मिलने वाला, जानते हो आप उसको जिससे मारा? अमीन नाम है उसका। वो आपके घर में के किराए से रहते हैं? वो भी किराए से रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो मैं नीचे। तो बच्चों की वजह से हुआ झगड़ा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के वजह से। तो एक चाचा हमारे पड़ोस में है, उनसे हो रहा है बीच में। मैं अलग अलग करने गया। आपने बीच बचाव किया था? बीच बचाव में आप पे वार कर? हाँ, मुझ पे वार किया। कोई चाकू रामपुरी वगैरह था? चाकू इतना बड़ा था वो, तो मैं देखा रामपुरी है कि कौन सा, तो मुझे मारा। जैसे मैं खून देख के फिर अपना भाग लिया, मैं वहीं गिर गया। मारने वाले का क्या नाम बताया आपने? अमीन।